इनको कोई भी अगर मुसलमान और सिख अगर कोई बात करता है तो उसे आतंकवादी कहते हैं। आज देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैल रही है उस सांप्रदायिकता को संभालने के लिए सारे लोगों को एक होकर के सेपरेट ताकत को एक होकर के आगे बढ़ना होगा। आज आपसे हम मुखातिब हैं, आज जो बातचीत चल रही है वो बात है बंगाल के अंदर जो हालात हैं उसके अंदर आज जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब जो हैं बंगाल यात्रा पर हैं और बंगाल के अंदर जो है कम्युनिज्म की आग फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज बात है वो ये है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी किस तरीके से बीजेपी को बंगाल में रोक सकेंगी ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी को सेक्युलर पार्टियों से आपस में मिल करके और लड़ करके बंगाल में बीजेपी को रोकना होगा और जब तक सब मिल करके बीजेपी को नहीं रोकेंगे बीजेपी नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के अंदर इस वक्त कम्युनलिज्म फैलाई गई है, NRC का मामला फैलाया जा रहा है, बांग्लादेशियों का मामला फैलाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर NRC लागू की गई तो बंगाल का हाल जो है वो आसाम से भी बुरा हो सकता है। आज देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैल रही है उस सांप्रदायिकता को संभालने के लिए सारे लोगों को एक होकर के सेपरेट ताकत को एक होकर के आगे बढ़ना होगा। आज देखिए कि बीजेपी ने जो सांप्रदायिकता फैला करके रखी है, बीजेपी जो बार बार कह रही है कि हम NRC लाएंगे, हम यहाँ से जो है अल्पसंख्यकों को भगाएंगे, समझा, इस देश को खाली करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ आज बीजेपी बढ़ रही है इसको बढ़ने से रोकने के लिए हमारे भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि भारत एक सेकुलर देश है और भारत को सेकुलरिज्म पर आगे बढ़ाने के लिए इनके नापाक इरादे को RSS को बीजेपी को रोकना होगा। इस वक्त बंगाल के अंदर चुनाव है, बंगाल के अंदर म्यूनिसिपल चुनाव भी है, इसलिए अब उन्होंने जो है बंगाल के अंदर एक नारा दे दिया है कि यहाँ से ममता को हटाओ, हम 200 सीट जीतेंगे। कैसे 200 सीट जीतेंगे? क्या बंगाल के अंदर जो 35% मुसलमान की पॉपुलेशन है, क्रिश्चनों की पॉपुलेशन है, सरदारों की पॉपुलेशन है, क्या वो बीजेपी को बंगाल में घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे। और ये नहीं घुसने के लिए ममता को आगे बढ़ना पड़ेगा और ममता जब तक सेकुलर ताकत को एक नहीं करेगी और सारे मिल करके अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वही हाल होगा जो बंगाल में लोकसभा इलेक्शन में हुआ कि जहाँ पर 18 सीटें बीजेपी जीत करके आई। अब बीजेपी की सीट जीतने की वजह हुई वोट का डिवीज़न हुआ कि CPI, कांग्रेस, ममता, ये तीनों लड़े और तीनों के लड़ने से क्या हुआ कि हिंदू वोट एक तरफ कर दिया और करने के बाद 18 लोकसभा सीट जो है बंगाल से बीजेपी आई। आज उनका मनोबल बढ़ गया है, इसीलिए बार बार अपने हर भाषण में ये कहते हैं कि हम NRC लागू करेंगे, इसलिए कि उन्हें NRC और हिंदू वोट को यूनाइट करके बंगाल पर अपना झंडा बुलंद करना है और बंगाल में जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, उन्हें बंगाल से दरबदर करने की ये कोशिश है। बंगालियों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर बंगाल के अल्पसंख्यक हैं तो अगर वो BJP को नहीं रोकते हैं तो उनको दरबदर बंगाल से होना पड़ेगा और यही BJP चाहती है, यही कम्युनिज्म इसकी है, उसको रोकने के लिए सबको आगे पढ़ना है। दीदी बार बार कह रही हैं कि हमारी लड़ाई जो है BJP से, हमारी लड़ाई भी BJP से है, लेकिन BJP से लड़ाई हम एक होकर के लड़ेंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे, आपस में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे तो BJP कामयाब होगी और बंगाल भी इनके कब्जे में होगा। जिस तरीके से आपने देखा आसाम के अंदर मदरसों पर बैन लगा दिया इन्होंने सत्ता में आने के बाद, आज सारे मदरसे बंद करा रहे हैं आसाम के अंदर, वही बंगाल में भी मदरसों को बंद कराएंगे, मुसलमानों को तालीम से हटाएंगे, उनको बेरोज़गार करेंगे, उनको पढ़ने नहीं देना चाहेंगे। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि आज अगर NRC लागू होगी तो सिटीजनशिप खतरे में हो जाएगी, आज अगर ये BJP वहाँ सत्ता में आई तो जो मुसलमान एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं वो एजुकेशन उनका ख़त्म करा देंगे, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है देश के अंदर उसके अंदर भी RSS का सारा कुछ मौजूद है और उसकी वजह से एजुकेशन में भी ये घुसते जा रहे हैं और हमें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 25 साल के अंदर
अगर मुसलमानों ने एजुकेशनल डेवलपमेंट की है, दोबारा से उस डेवलपमेंट को ख़त्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इस कोशिश को नाकाम करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा और इनको करना पड़ेगा। आप देखिए कि किसान की नीति के अंदर क्या हुआ, पूरे देश के अंदर किसानों के खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे हैं। सवाल है कि किसान के अंदर किसान को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, जब इनको कोई भी अगर मुसलमान और सिख अगर कोई बात करता है तो उसे आतंकवादी कहते हैं। इस देश के अंदर क्या हिंदू राष्ट्र है? ये देश जो है सेकुलर देश है, इसकी आज़ादी में सबने लड़ाई लड़ी है और बंगाल के अंदर सबसे बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में बंगाल आगे रहा है। और उस बंगाल और रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती को जो है ये कम्युनिज्म की तरफ फैला रहे हैं, उसको रोकने के लिए जनता को आगे बढ़ा रहे हैं।